हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन शेफ विद रुखसाना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वीट सैंडविच। नए टाइप का सैंडविच है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हमेशा हम तेज सैंडविच खाते हैं, आज हम मीठा वाला सैंडविच खाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये 8-10 ब्रेड स्लाइस है, इसे मैं अभी राउंड शेप में कट कर लूँगी। आप किसी भी कटर से या इस तरह का ढक्कन ले, इससे राउंड शेप का ब्रेड कट कर ले। आप इस तरह के राउंड रोल्स कट कर ले ब्रेड के। मैंने सभी स्लाइस को ऐसे कट कर लिया है राउंड राउंड। मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, ये मिल्क ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मिल्क ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये स्लाइस को हल्का सा दूध में डुबा कर लेना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, ये सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए रखें, निकाल लें। अभी हम एक एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर मैं मिक्स फ्रूट जाम डाल रही हूँ। जाम आप अपने हिसाब से डालें जाम, क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम, तो आप अपने अपने हिसाब से जितना मीठा पसंद करते हैं उतना जाम डालें। इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश क्रीम। इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज। इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन चेरी एंड रेड चेरी। इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। हमने ब्रेड के लिए जो दूध लिया है वो रूम टेम्परेचर पे ले, अगर वो गर्म रहा तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी के स्लाइस बना लूँगी। फ्रेंड्स, अभी हम ये पैन गरम कर लिया है, इसे घी से हल्का सा ब्रश कर लेंगे। ये सैंडविचेस को हल्के हाथों से निकाल कर हम इसमें रखेंगे। हमें इसे सिम पर ढककर बनाना है सिर्फ 2-4 मिनट के लिए। सिर्फ हमें इसमें का चीज़ मेल्ट होना है, सिर्फ 2-3 मिनट रखेंगे, उसे एक बार फ्लिप भी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में ऐसा ब्राउन कलर नहीं आएगा। अभी हमारे स्वीट सैंडविच बनके तैयार है, अभी इसमें का चीज मेल्ट भी हो गया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा स्वीट सैंडविच बनके तैयार है, इसे मैं जैम के साथ सर्व किया है। इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके या गर्मा गर्म ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। वेनिला आइसक्रीम के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है।
देख सकते हैं इसके अंदर का चीज मेल्ट हो गया है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये। वाओ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशन है तो ज़रूर दें, और मेरी ये रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और किचन शेफ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें, बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।